हेलो एंड वेलकम दोस्तों मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ थ्री सिक्सटी एक्सप्लेन इन हिंदी में आज मैं राया एंड द लास्ट ड्रैगन को एक्सप्लेन करूंगा जो कि एक एनिमेटेड मूवी है दोस्तों मूवी काफी धमाल है अगर आप मूवी को देखने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज देखिए अगर मेरी बात कहूँ तो मुझे मूवी के एनिमेशन काफी जबरदस्त लगे हैं। आपको एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं मूवी के स्टार्ट में हम राया को देखते हैं जो कहीं पर जा रही थी वो हमें एक कहानी सुनाती है पचास साल पहले कमांडरा नाम का एक देश था जहाँ ड्रैगन और इंसान एक साथ रहते थे ड्रैगन्स अपनी पावर से पानी बरसाते थे, थे और एक पीस का माहौल था तभी एंट्री होती है ड्रूम की जो कि एक पैरासाइट था वो इंसानों की आत्मा लेकर जाता था और उन्हें मूर्ति में बदल देता था जिसके कहर से ड्रैगन्स भी नहीं बच पाए लेकिन एक लास्ट और आखिरी ड्रैगन बचा हुआ था उसने अपनी पूरी पावर से एक ड्रैगन जेम बनाया जिससे ड्रूम नष्ट हो गए और इंसान भी वापस पहले जैसे हो गए लेकिन जिन ड्रैगन्स को ड्रूम ने मूर्ति में बदल दिया था वो वापस नहीं आ पाए उसके बाद कमांडर की बॉर्डर बढ़ गई पांच अलग अलग देशों में टेल टैलॉन स्पाइन फैंग और हार्ट जहाँ पर ड्रैगन जेम छुपा हुआ था और चारों भी देश अक्सर उसे हत्याने की कोशिश करते रहते थे आगे हम छोटी राया को देखते हैं जो एक गुफा में आती है ड्रैगन जेम को ढूंढने के लिए लेकिन वहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स बिछे हुए थे तो राया अपने छोटे से दोस्त टुक टुक की मदद से सारे ट्रैप्स को पार करती है आगे उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ ड्रैगन जेम को रखा हुआ था और दोस्तों वहाँ पर पानी उल्टी दिशा में बह रहा था यानी कि नीचे से ऊपर अंदर जाने पर राया की मुलाकात चीफ बेंजो से होती है जो कि उसके डैड भी थे वो राया को चैलेंज करते हैं कि अगर उसने ड्रैगन जेम के सर्कल में अपना कदम रख दिया तो वो भी ड्रैगन जेम की गार्डियन बन सकती है अगले सीन में राया अंदर जाने की कोशिश करती है और चीफ बेंजो उसे रोकने की काफी कोशिशों के बाद राया अपना पैर सर्कल में रखने में कामयाब हो जाती है और उसके डैड उसे ड्रैगन जेम का गार्डियन बना देते हैं और राया पहली बार जेम का मैजिक देखती है वो आसपास का पानी अपनी तरफ खींच रहा था अगले सीन में चीफ बेंजो राया को कहते हैं कि मैंने बाकी के चारों देशों को इनवाइट किया है दरअसल राया के डैड का मानना था कि वो लोग अब भी एक साथ आकर कमेंड्रा को बसा सकते है आगे पांचों भी देश एक साथ आते हैं लेकिन हार्ट देश के अलावा और कोई नहीं चाहता की वे लोग फिर से एक साथ आए लेकिन तभी राया फैंग देश की राजकुमारी नामारी को अपने साथ चलने के लिए बोलती है क्यूँकी सिर्फ वही राया के उम्र की थी इसीलिए वो भी मान जाती है आगे उनको देखकर चारों चारो भी देश मान जाते हैं आगे नामारी से राया को पता चलता है कि वो लास्ट ड्रैगन दुनिया को बचाने के बाद रिवर में कहीं गहरे पानी में जाकर सो गया है और नामारी राया को अपना ड्रैगन का लॉकेट भी देती है उनकी दोस्ती के नाम आगे दोनों की दोस्ती होने पर राया नामारी को ड्रैगन जेम दिखाने के लिए लेकर जाती है जिसे देख कर नामारी काफी खुश होती है लेकिन तभी नामारी राया को धोखा देती है और सिग्नल देकर अपने लोगों को वहाँ पर बुलाती है फैंग के लोग ड्रैगन को लेने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर राया के डैड आ जाते हैं और वो सबको सबक सिखाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बाकी के देश के लोग भी आ जाते हैं आगे सब लोग ड्रैगन जेम को लेने के चक्कर में उसके चार टुकड़े हो जाते हैं ड्रैगन जेम के टूटते ही ड्रूम फिर से वहाँ पर हमला कर देते हैं आगे पांचों भी देश के लोग एक एक जेम का टुकड़ा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं इसी बीच राय के डैड को चोट लगती है जिसके चलते वो राया को ड्रैगन जेम के टुकड़े के साथ नदी में फेंक देते हैं क्यूँकी ड्रम पानी में हमला नहीं करते और फिर राय के डैड मूर्ति में बदल जाते हैं अब हम आते हैं प्रेजेंट में राया उस बात को सच मानती है की शिशु अभी भी किसी रिवर में सो रही है इसीलिए राया उसे हर रिवर में ढूंढ रही थी अब आखिरी रिवर बची थी टेल देश में राया वहाँ पर चेक करने के लिए निकलती है लेकिन रास्ते में उस पर एक ड्रम हमला कर देता है तो राया उसे छोटे से ड्रैगन के जेम से भगा देती है अगले सीन में राया रिवर में आती है जो पूरी तरह से सुखी हुई थी राया वहाँ पर बैठ कर प्रार्थना करती है शिशु को वापस लाने के लिए तो थोड़ी देर बाद शिशु द लास्ट ड्रैगन वापस आ जाती है राया उसे देख हैरान थी बट सेम टाइम वो खुश भी होती है आगे शिशु को राया से पता चलता है कि वो पिछले 500 सालों से नींद में थी और उसके अलावा पृथ्वी पर और अब कोई ड्रैगन नहीं बचा आगे जैसे ही शिशु ड्रैगन जेम को छूती है वो ग्लो करने लगती है क्योंकि उस जेम में शिशु के छोटे बहन की जादुई जादु थी इससे दोनों को विचार आता है की अगर उन्होंने सारे जेम्स को एक साथ रख लिया तो शिशु फिर से ड्रैगन जेम की शक्तियों से ब्रूम को हरा सकती है जिससे सब लोग वापस आ जाएंगे आगे वो सारे जेम्स के टुकड़ो को चुराने का तय करते हैं जिसके चलते वो दोनों सबसे पहले टेल का जेम्स चुराने के लिए एक जगह पर जाते हैं जहाँ काफी सारे ट्रैप्स लगे हुए थे लेकिन दोनों भी उनको पार करते हुए ड्रैगन जेम को हासिल कर लेते हैं शिशु जैसे ही उस जेम को छूती है वो एक इंसान के रूप में बदल जाती है तभी वहाँ पर नामारी अपने लोगो के साथ आती है दरअसल उसे पता चल गया था की राया ड्रैगन जेम्स को ढूंढ रही है लेकिन इससे पहले की नामारी उन्हें पकड़ ले राया अपनी चतुराई और चालक से वहाँ ऐसी भागने में कामयाब हो जाती है आगे राया और शिशु कैप्टन बूम की बोट से पानी के जरिए टलॉन जाने के लिए निकलते हैं आगे हम देखते हैं कि शिशु को पानी में काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो एक पानी की ड्रैगन थी तो नामारी फैंक वापस जाने का डिसाइड करती है प्रिंसेस को ये सब बताने वही रास्ते में हम काफी सारे ड्रैगन को देखते हैं जो मूर्ति बने हुए थे वही इस तरफ राय अकेले ही टैलोन की चिप से जेम लेने के लिए निकलती है लेकिन शिशु उसे रोकती है दरअसल शिशु का मानना था की अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो इसका मतलब है की हम उस पर ट्रस्ट करते हैं लेकिन राया उसकी बात नहीं मानती और अकेली ही चली जाती है वही रास्ते में राया एक छोटी बच्ची से मिलती है जो रो रही थी राया जैसे ही उसे उठाती है वो बच्ची उस पर हमला कर देती है तो दूसरी तरफ बंदर जेम्स को लेकर बच्ची के साथ वहाँ ऐसी भाग जाते हैं राया को विश्वास नहीं होता की एक मासूम दिखने वाली बच्ची बंदरों की टोली के साथ मिलकर चोरी करती है राया भी उसके पीछे भागती है बड़ी मुश्किलों के बाद राया टुक टुक की मदद से उनसे जेम्स लेने में कामयाब हो जाती है आगे राया उस बच्ची की मदद से चीफ टेलन के पहरेदारों का ध्यान भटकाती है और वो खुद ऊपर जाती है तभी उसे पता चलता है कि चीफ टेलन तो काफी समय पहले गुजर चुका है और जेम अब किसी और के पास है वही इस तरफ शिशु राया की बात नहीं मानती और वो टेलन के चीफ के लिए गिफ्ट लेने के लिए निकलती है गिफ्ट लेते दौरान एक बुढ़ी औरत शिशु को अपने साथ गाँव के बाहर लेकर जाती है वो शिशु को डूम के हवाले करने की धमकी देकर पूछती है की बाकी के जेम्स उसे कहाँ मिलेंगे डूम शिशु पर हमला करने ही वाले थे की तभी वहाँ पर राया शिशु को बचा लेती है और वो बूढ़ी औरत के पास से जेम भी ले लेती है आगे हम देखते हैं कि राया ने उस बच्ची और बंदरों की टोली को अपने साथ बोट पर बुलाया था तो इधर नामारी उसकी मां को कहती है की राया सारे जेम्स हासिल करने के लिए निकली है और उसे शाही आर्मी चाहिए राया को रोकने के लिए उसकी माँ भी इस बात के लिए मान जाती है तो दूसरी तरफ राया एंड ग्रुप स्पाइन पहुंचने पर शिशु अकेले ही आगे जाती है और राया भी उसके पीछे जाती है दरअसल शिशु का अब भी मानना था की हम सामने वाले को गिफ्ट देकर उसका ट्रस्ट जीत सकते हैं लेकिन गेट के पास पहुँचते ही वे लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं आगे वो देखते हैं की उन्हें स्पाइन के एक वफादार सैनिक ने पकड़ा था और उसके पास राया के सारे जेम्स भी थे आगे सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी टुक टुक कैप्टन बॉन के साथ वहाँ आता है और उस सैनिक को बंदी बना लेते हैं तभी राया को पता चलता है की स्पाइन देश में सिर्फ वही एक बचा है बाकी सब तो मूर्ति बन गए है तभी वहाँ पर नमारा आती है अपने साथियों के साथ जिसके चलते राया सभी को पीछे के रास्ते ऐसी बाहर निकालती है और खुद नमारा के साथ लड़ने के लिए जाती है लेकिन राया हारता नजर आती है राया को हारते देख शिशु ड्रैगन के रूप में वहाँ पर आती है और उसे बचा लेती है नामारा की बोलती बंद हो जाती है शिशु को देखकर आगे बोट में जब शिशु स्पाइन के जेम को छूती है जिससे अब वो बारिश करवा सकती है और पानी पर चल भी सकती है जिससे वो काफी खुश होती है और आसमान का एक बड़ा सा चक्कर लगाती है अगले सीन में नामारी अपनी माँ को कहती है की उसने द लास्ट ड्रैगन शिशु को देखा आगे फैंक पहुँचने पर कैप्टन बूम अपना प्लान बताता है की हम चुपके ऐसी अंदर जाएंगे सारे पहरेदारों को ठिकाने लगाते हुए और आगे हम बंदर और बच्चे की मदद से उस आखिरी जेम को भी हासिल कर लेंगे और शिशु को दे देंगे लेकिन राया ये प्लान सुनते ही उसे मना कर देती है तो शिशु अपना प्लान बताती है कि वो सीधा नामारी के पास जाएंगी और उसे एक गिफ्ट देंगी जिससे मारी खुश होकर शिशु को जेम दे देंगे ये प्लान सुनते ही सब लोग दंग रह जाते हैं और उसे ना बोलते हैं आगे शिशु राया को उसके देश में लेकर जाती है जहाँ पर ड्रैगन जेम पहले रखा हुआ था शिशु राया को अपने भाई और बहनों की मूर्तियाँ दिखाती है और कहती है की पाँच साल पहले ड्रूम को रोकने के लिए इन्होंने उनकी सारी शक्तियाँ एकत्रित करके मुझे दे दी थी जिसकी वजह से मैंने दुनिया को ड्रूम से बचाया आगे राया अपने डैड को बचाने के लिए प्यार से जाने का तय करती है जिसके चलते वो बच्ची और बंदरों के हाथों नामारी को एक लेटर भेजती है जिसमे था की उसे फैंग के बाहर जेम के साथ राया को मिलना है अगर वो दुनिया को फिर से पहले जैसा करना चाहती है तो और उसमें नामारी का वो लॉकेट भी था जो उसने बचपन में राया को दिया था ये देखते ही नामारी राया से मिलने के लिए मान जाती है आगे दोनों भी मिलते हैं शिशु भी नामारी के सामने आती है लेकिन नामारी उन्हें धोखा देती है और पैलेस में कॉल करके कहती है कि उसे राया मिल गई है और नामारी का तीर गलती से शिशु को लग जाता है जिससे शिशु पानी में गिर जाती है और नामारी जेम लेकर वहाँ से भाग जाती है इधर शिशु के पानी में गिरते ही नदी का सारा पानी सूखने लगता है जिसके चलते अब फैंग पर भी ड्रूम का हमला होता है और राया गुस्से से नामारी से लड़ने के लिए जाती है दोनों भी एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर देते हैं लेकिन लास्ट में राया ही जीतती है तो इधर बच्ची बंदरों टुक, टुक और बाकी सब लो, बाकी सब लोग बचे हुए लोगों को बचाने में लग जाते हैं जेम्स की मदद ऐसी थोड़ी देर बाद उन्हें राया और नामारी भी ज्वाइन करते हैं लेकिन ड्रूम्स इतने थे की उनसे समल नहीं रहे थे एक जगह आरोप आकर राया को शिशु की ट्रस्ट वाली बात याद आती है जिसके चलते राया अपना जेम नामारी को दे देती है और उसकी देखा देखी में सब लोग भी अपने जेम्स नामारी को दे देते हैं और फिर नामारी को छोड़कर बाकी सब लोग मूर्ति बन जाते हैं आगे नामारी सारे ड्रैगन जेम्स को जोड़ देती है उसके बाद वो भी मूर्ति बन जाती है आगे पहले तो ड्रैगन जेम का जादू काम नहीं करता लेकिन थोड़ी देर बाद वो काम करता नजर आता है जिसके चलते वो सारे ड्रोम्स को भगा देता है और फिर सभी लोग पहले जैसे हो जाते हैं आगे नदियों में भी पानी वापस आ जाता है आगे हम देखते है की सारे ड्रैगन जिंदा हो गए है और अब वो अपनी शक्तियों से शिशु को भी जिंदा करते हैं शिशु अपने भाई और बहनों को देख काफी खुश होती है अगले सीन में राया अपने डैड ऐसी मिलकर काफी खुश होती है चीफ बेंजा शिशु को देख काफी हैरान थे राया ने सबको फिर ऐसी एक साथ लाया था ये देखकर चीफ बेंजा काफी खुश होते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यही पर खत्म होती है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय